क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है जहां पर हम लोग किसी एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कैसे कैसे करके आप लोगों के कौन कौन से कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बार आपके आ रखे हैं वो वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग तुमको बताने वाले हैं। जैसे कि अभी तक मैंने तुम लोगों को जो आपका रेशियोज एंड वैल्यूज है ना उसका बता दिया, आज हम लोग ट्राइंगल्स का करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, फिर इनवर्स, फिर हम लोग पीएनसी में मूव कर जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग ये पूरी की पूरी सीरीज चलाने वाले। सेम यही चीज आपका जीएटी में होगा। जीएटी में जो आपके बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है तो ज्योग्राफी के हम लोग ला रहे हैं बहुत सारे वीडियोस, ठीक है, तो आप लोगों को सारी की सारी देखनी है। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये सीरीज है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हम लोगों का एक नया बैच आने वाला है। तुम लोग बोल रहे थे कि भैया एक नया बैच निकालो जहां पर आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओगे, तो हम लोगों का एक नया फास्ट ट्रैक बैच आ गया जो कि आपका 2nd of January से स्टार्ट होगा, और इस बैच में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो अभी हमारा बैच चल रहा है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और आप लोगों के जितने भी, यहाँ पता ही होगा तुम लोगों को, इसमें आपका रेगुलर टेस्ट होते हैं, इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, फिर आप लोगों का संडे को एक स्पेशल डाउट क्लास भी होती है, और आप लोगों के पास माइक ऑन की फैसिलिटी होती है, तो आप लोगों को ऑनलाइन में बिल्कुल ऑफलाइन का मजा आने वाला है। अगर आपको करना है बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो ताकि तुम लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। इसके अलावा ये तो आपका कंप्लीट बैच है, आप लोगों को अगर सिर्फ मैथ्स का करना है आप सिर्फ मैथ्स का भी कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ जीएटी का करना है आप सिर्फ जीएटी का भी कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो, आप लोगों को ये वाले ऐप पे जाना है और यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी में आपको दिख जाएंगे कैसे कैसे करके आप लोगों को बैच है, क्या क्या उसका प्राइस है। आप लोगों की इसमें एसएसबी क्लासेस भी चलेंगी जो कि पहले से चलनी शुरू हो जाएंगी, अभी आप लोगों की बस चलने वाली है, तो आप लोग जरूर से जल्दी एनरोल करा सको ताकि आप एसएसबी क्लासेस भी लाइव ले सको। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ट्राइंगल्स जो है ना बहुत ज्यादा फिक्स चैप्टर है, बहुत ज्यादा फिक्स चैप्टर, मतलब इससे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोगों को जो लास्ट वाली वीडियोस है रेशियो एंड वैल्यूज में, वहां पर मैंने तुमको एक बहुत ब्रह्मास्त्र वाली चीज बताई थी, बहुत एक मस्त चीज थी। कौन सी थी वो बताने से पहले फॉर्मुलेज मैंने यहां पर फिर इंक्लूड कर दिए, बिकॉज विदाउट फॉर्मुलाज यू आर नथिंग, ठीक है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो जरूर से कर लेना। जैसे ये है, अब यहां पर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ साइड बी सी सी ए, और मतलब ऐसे करके आप लोगों का एक ट्राइंगल दे रखा है। मान लेते हैं अगर ये हमारा ट्राइंगल है ए, ये है बी और ये है हमारा सी, ऐसे करके दे रखा है। अब ये कह रहा है हमारा जो ए है वो ये रहा, जो बी है वो ये रहा, और जो सी है वो ये रहा। अब तुम लोग परेशान, इसमें दे रखा है इसने पी जो आपका पैरामीटर होगा, जो कि पैरामीटर पता है ना, सारे साइड्स का सम कर दो ये होगा, और जो आपका क्यू है वो क्या होगा, एरिया होगा। अब तुम्हें पता ही नहीं एरिया कैसे करके निकालते हैं, अब तुम लोग करोगे क्या? यहां पर मैंने तुमको क्या बताया था, आप लोगों को करना है वैल्यू पुटिंग। तुमको बोलोगे भैया इसमें थोड़ी बताया था आपने, अरे सिंपल है ना, क्या इसमें स्पेसिफाइड है कि कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलर है या फिर इक्विलेटरल है, कुछ नहीं बोला ना। आप सिंपल क्या करो, तीनों की वैल्यू को क्या कर दो, वन कर दो पुट। अब अगर तीनों बराबर होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो सारे के सारे सम। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यहां से तुम निकालोगे तीनों के तीनों बराबर है तो 3x मान लेते हैं, अगर सबको x मान लेता हो तो 180 हो गया, आपके x की वैल्यू आ गई 60, आ गई सारे के सारे क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, हो गया एंगल आ गया पता लग गया, सारे के पैरामीटर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर एरिया की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a² ए की वैल्यू 1 है तो √3/4 एरिया भी आ गया। जस्ट यहां पर पुट कर दें, तुम लोगों को सब कुछ पता है ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर 60, तो आप लोगों का पी की वैल्यू 3, फिर पी की वैल्यू 3 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, tan यहां पर क्या हो जाएगा 60/2 कट के 30 आ गया, निकाल लो 3 × 1 × 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 काटोगे √3 आ गया। अब √3 ये आ चुका है, तुम लोगों को q की टर्म्स में दिया है ना, सिंपल तुम्हें क्या करना है, q √3/4 है ये तो नहीं बन रहा, मतलब ये वाला आंसर किससे मैच करेगा, a से करेगा नहीं कर रहा, b से करेगा नहीं करेगा, करके देख लो 2 × √3/4 ये कितना आ जाएगा √3/2
सिंपल, अगर आप ये फोर्थ वाले ऑप्शन में करोगे, 4 into √3/4 काटोगे, आ गया रूट थ्री आंसर, वैल्यू पुटिंग बहुत टफ। अगर एक काम करना, अपने दोस्तों से पूछ लेना वाला क्वेश्चन, उनका दिमाग तुम खराब कर दोगे वाला क्वेश्चन पूछ के, वो लोग उन लोगों से ना ही होगा और ऊपर से दिमाग खराब अलग पूरे दिन भर। और तुम इसे बताना भाई, एक काम करना, इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को पिछली बार बताया था, अगर स्पेसिफाइड ना हो कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कितना तगड़ा है। अरे एक काम करो ना, यहाँ पर हमको बोला है ट्राइंगल कौन सा होगा, ये क्या आपका राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा या ऑब्ट्यूस होगा। एक काम करते हैं ना, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो एक ना एक तो साइड उसकी 90 होगी ना, तो एक काम करते हैं, ए को आप 90 पुट कर दो, बी को आप क्या कर दो 60 पुट कर दो, और सी को क्या कर दो 30 पुट कर दो। कर सकता हूं, यही तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब, एक राइट एंगल होगा मतलब एक 90 होगा, खत्म, काम ही खत्म हो गया। या क्या कर दो, तुम लोग बी को 45 भी कर सकते हो और सी को भी 45 भी कर सकते हो, करके देखना तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो ये वाले में फालतू हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को वैल्यूज पता है, आपका ए आ रहा होगा इसका ऑप्शन। बाय चांस नहीं आता है, बाय चांस अगर नहीं आता है फिर इक्वलेटरल पे जाना, सारे के सारे को क्या कर देना 60 कर देना पुट, अगर आ जाता है वेल एंड गुड, फिर ये होगा आंसर। बट ये वाले का आंसर जो है वो ए होगा, करके देख सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुमको पिछली बार भी बताया था, कभी भी ऐसा दिखे आपको सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, बट करे कौन सी, कैसे रे करे। यहां तो इसने ट्राइंगल लिख रखा ना, क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं क्या, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं यहां पर नहीं लिख सकते आप, बिकॉज इन दिस आप लोगों का मेंशन नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब तक आपका मेंशन ना होने की राइट एंगल ट्राइंगल है, आप लोगों को नहीं लेना है। तुम बोलोगे भैया फिर ये वाले में क्यों लिया, इक्विलेटरल तो नहीं था मेंशन। अरे जो यहां पर ये प्रॉपर्टीज होंगी ना वो तो सेम ही होंगी ना, इसीलिए लिया, ठीक है। यहां पर भी हम लोगों से इसीलिए इसने पूछा, लेकिन जब तक इक्विलेटरल नहीं है ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं लोगे। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था ट्राइंगल्स के आपके बहुत फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड क्वेश्चन। कैसे, टोटल इसमें गिन चुन के 4 से 5 फॉर्मूलेज हैं, कौन कौन से। सबसे पहला फॉर्मूला जो है आप लोगों का वो है आपका साइन का, तो साइन फॉर्मूला ही बोलते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी, खत्म। ये आपका पहला फॉर्मूला साइन का। अब क्या करते हैं हम लोग, अक्सर इसको किसी एक के कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, ताकि हम लोगों का अगर साइन ए की वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो। एक और वे में इसको हम लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए, मतलब रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये बी का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा, तो यहां पर साइन बी और यहां पर साइन सी इक्वल्स टू के। अब कहीं पे अगर तुम लोगों को ए इक्वल्स टू के साइन थीटा, अगर तुमको रेशियो दे रखा है इसका, ये लगेगा के साइन बी, सेम ऐसी करके साइन सी का भी कर सकते हैं। अब ये लगेगा यहां पर साइन थीटा का, जहां पर भी आपको एंगल का रेशियो दे रखा होगा, खत्म, जहां पर भी आपको एंगल का रेशियो दे रखा होगा, जैसे कि यहां पर दे रखा है ना, ये दे रखा है और आपका एक साइड दे रखा है, ये लग जाएगा, देख लो सिंपल ये वाले से, लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये ए बी है क्या, साइड्स, मतलब अगर आपका ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारे कैपिटल ए आपका एंगल है, जस्ट ए के अपोजिट स्मॉल ए आता है, ये आपका साइड है, कैपिटल बी एंगल है, इसके अपोजिट स्मॉल बी ये साइड है, सी आपका एंगल है, स्मॉल सी आपका साइड है, पक्का ध्यान में आ गया होगा मेरे सबसे। तो यहां पर भी वही है, ए दे रखा है साइड देखिए, बी दे रखा है साइड देखिए, साइन बी दे रखा है, सिंपल, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी, काम ही खत्म। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, इसकी वैल्यू 2, साइन बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 3, या और यहां से ये कट गया, ये नीचे जाएगा तो ये इससे ये कट जाएगा, करके देख लेना साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 कब होती है साइन की वैल्यू 90 पे, आंसर खत्म। ये इतना आसान है, तुम लोग देख लो ऐसा नहीं होता। अब मैं तुमको एक 2-3 और फॉर्मूले बताता हूं बस, उसके बाद तुम्हारा काम ही खत्म, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल्स वाला कितने क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे,
तो ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इससे क्वेश्चंस आते हैं और अभी ना कुछ टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस, पहले कम आते थे अब बढ़ रहे हैं। सो दिस इज अलार्मिंग आप लोगों के लिए, ये चीज अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों का जैसा आपका क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होगा, अगर मैं कॉस ए की बात करता हूं, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। ए है ना, आप लोगों को ए से माइनस करना है, बाकी के जो दो साइड्स है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय, बस ए नहीं लिखना बाकी के दो लिख दो। तो सेम ऐसे अगर हम लोगों का बी का निकालते हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी। सेम ऐसे आपका सी का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, अब ये लगेगा कहां पर, जहां पर भी आपको तीन साइड्स दी होगी और आपसे क्या पूछा होगा, एंगल पूछा होगा। यहां पर रेशियो में नहीं पूछा होगा, यहां पर एंगल पूछा होगा। ठीक है, आपको रेशियोस नहीं दिया होंगे, आपको जस्ट साइड दिया होगा। बताओ वहां पर वो आई यूज, यहां देखो एग्जैक्ट, मतलब डिट्टो क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बहुत तगड़ा आएगा कुछ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर क्या बोला आप लोगों से, ये वैसे मैंने करवा भी रखा है, पता है आपके क्वेश्चन से इसमें मैंने इंक्लूड किए 2023 के दोनों पेपर के और 2022 के ND2 का, देख रहे हो इतने रिसेंट के क्वेश्चन से। यहां पर क्या देखा है, एक एंगल ट्रायंगुलर प्लॉट है, क्या इसने हमको बोला राइट एंगल, नहीं बोला है, नहीं लेंगे। क्या है, एबीसी है, एबी की वैल्यू 16 दे रखी है 16 मीटर, एसी की वैल्यू आपकी 10 दे रखी है और बीसी की वैल्यू भी 10 दे रखी है। साइन कॉस ए दे रखा है, कॉस ए का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। मैंने तुम्हें बताया ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी और सी के ऑपोजिट सी, पुट कर देना आंसर निकाल देना, सेम ऐसी बी निकाल देना सेम ऐसी सी निकाल देना। थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या अगर तुम मेरी यारी वीडियो देख के बोलोगे भैया हमको सब कुछ आ गया, नहीं आपको नहीं आया है, जब तक आप खुद अपने हाथ नहीं चलाओगे ना आपका नहीं बनेगा यार काम, आपको चलाना पड़ेगा अपना हाथ। और तुम लोग सोच रहे हो भैया जो कि थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाती है, जैसे मैं जीटी की वीडियोस देख रहा था, तुम लोग नहीं देख रहे हो यार वो वीडियोस, ऐसा थोड़ी होगा कि आप शॉर्ट्स देखोगे और आपका पेपर निकल जाएगा। डोंट बी सो सररियल, ठीक है, डोंट बी सो इमेजिनरी, आप लोगों को रियलिटी में आना पड़ेगा। सही में ऑफिसर बनना है ना, ऑफिसर बनना है क्या करना पड़ेगा, पता है तुमको कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज आपका क्या होता है, एक आता है कॉस से, एक आता है साइन से और तीसरा आपका आ जाता है एरिया से। एरिया का 10th का फॉर्मूला, हिरोन्स फॉर्मूला याद है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या होती है, सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है आपका एरिया का, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, यहां देखो हाफ ए बी, ए बी क्या है आपका साइड्स है, इसके साथ एक साइन का दूसरा वाला जो यहां पर नहीं आया वाला एंगल ले लो। सेम ऐसी एरिया का एक और फॉर्मूला होता है बी सी, और इस बार क्या ले लेंगे जो आपने नहीं लिया है ए। सेम ऐसी क्या ले लोगे, हाफ इस बार ए ले लो सी ले लो, तो आपका साइन का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बस खत्म। इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला पढ़ने नहीं है। तुम बोलोगे भैया ये वाले का थोड़ी आता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, वेट बच्चा अभी रुक जाओ, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिखाएंगे। ये देखो ये दे रखा है, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन था, ये एनडीए 2 का क्वेश्चन था पिछली बार का। तो ये कैसा था, यहां पर ये ए है ये बी है और ये सी है, आप लोगों को 16 दे रखा था, ये बाकी के दो 10 दे रखे थे। तुम बोलोगे भैया हम लोगों को तो ए बी तो पता है, चलो चलो ये तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगी, या लिख दूंगा 16 लिख दूंगा, कैसे निकालू ये साइन सी। अरे भैया एक काम कर लो ना, एरिया आपको पता है, तुम बोलोगे कहां पता है भैया, हाफ ए, तुम लोगों को यहां पर सी निकालना है साइन सी, ये है। अब तुम बोलोगे भैया फिर कैसे करके, हमको तो एरिया ही नहीं पता, क्या तुम लोग यहां से हिरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, बोलो चमका अब आया दिमाग में, निकालो निकालो, मैंने तुमको अप्रोच बता दी है, सोच कैसे रहा हूं, मेरे को दिख गया साइन सी किसमें आता है, या तो देखो साइन का फॉर्मूला लगा लूं, लेकिन यहां पर मेरे को दे नहीं रखा है, रेशियोज वगैरह कैसे करके निकालूंगा, बाकी किसी का साइन की वैल्यू दे नहीं रखी है, रेशियो नहीं रख सकता,
बाई चांस अगर मेरे को एक साइन की वैल्यू दी होती लगा देता। दूसरा यार एरिया में भी तो होता है साइन, क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ? हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला से मेरे को सारी की सारी साइड्स गिवन है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ, बाकी ए बी भी गिवन है, सी आ गया। सोच कैसे रहा हूं वो चीज देखो, ठीक है। अब देखो बाकी ये क्वेश्चंस भी और देखते हैं हम लोग कैसे करके आपके होंगे। ये वाला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है वापस, क्या इसने, ये इसी बार का ही है, ठीक है, क्या दे रखा है इसने, द एंगल्स ए बी सी, एंगल ए बी सी ट्राइंगल आर इन रेशियो, दे दिया रेशियो, दे दिया रेशियो। क्या पूछा है, ए बी सी की वैल्यू पूछा है, जैसी मेरे को रेशियो मिल जाएगा मैंने क्या बोला, सीधा सीधा साइन फॉर्मूला लगा दो। साइन फॉर्मूला कैसे करके लगाएंगे, मेरे को एंगल का रेशियो दिया है तो एंगल का क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, हो गया इक्वल्स टू के हो गया। अब देखो तुमने रेशियो तुमने कर लिया, लेकिन इसमें हमको दिया क्या है, एंगल्स का रेशियो। अब यही बताया ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया तो कर लो 3x plus 5x plus 4x equals to 180 डिग्री, मतलब 12x equals to 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई आपकी 15 आ गई, तो बताओ 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, 4x की वैल्यू 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 और 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। जैसी मेरे को ये मिल गया, मेरे को क्या पता लग गया कि आप लोगों का इसकी जगह पे जो ये है ए, ए की जगह पे क्या लिखूं 45, मेरे को आती है इसकी वैल्यू, बी की जगह पे क्या लिखूं 75, मेरे को आती है इसकी वैल्यू, सी की जगह पे 60 लिख दो मेरे को आती है इसकी वैल्यू। 75 की तो नहीं आती ना, पिछले लेक्चर में बता रखा है इसके टॉप पे भी सारी सारी वैल्यूज लिख रखी है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू आपकी आ गई के बाय रूट टू आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई के, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपकी होती है रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू, और सी की वैल्यू क्या होती है के रूट थ्री बाय टू। यहां पर रखना, आंसर निकालना, यहां पर आपका ए की वैल्यू क्या है के प्लस रूट टू, बी की वैल्यू क्या है रूट थ्री प्लस वन टू रूट टू, और यहां पर साथ में के भी है, और प्लस रूट थ्री टू इंटू रूट टू, ऊपर से करके देख लेना इंटू के, तो ये कट जाएगा यहां पर सिंपल रूट टू हो जाएगा। और अब तुम्हें क्या करना है, एल पता है तुम लोगों को कि अगर ये तीनों के तीनों ऐसे रखे हैं, मैं क्या करता हूँ यहां पर जस्ट आपके सबको टू से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, पता है ना, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है रूट टू, नीचे रूट टू से ये रूट टू कट जाएंगे सारे के सारे, और आपका सिंपल कट जाएंगे क्या, मतलब कॉमन ले लेना, एक काम करना क्या करना कॉमन ले लेना, कॉमन ले लेना वन अपॉन रूट टू, और एलसीएम में क्या हो जाएगा यहां पर टू आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू, और एक के भी ले लेना टू प्लस रूट थ्री प्लस वन प्लस ये हो जाएगा आपका टू रूट थ्री, ठीक है ये हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा के टू रूट टू, यहां पर अगर तुम लोग करोगे इसके एड अगर करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री प्लस थ्री रूट थ्री आ जाएगा आपका थ्री कॉमन, यहां पर हो जाएगा के, ये हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू रूट टू। क्या मैंने तुमको यही वैल्यू 75 की बताई थी, क्या ये बी नहीं था, था ये बी, सिंपल क्या लिख देना है थ्री बी है ना, यही तो था बी, और एक के साथ में के भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री बी, खत्म। निकाल के देख लो बी की वैल्यू क्या आ रही है, के साइन 75 आ रही है, एग्जैक्टली यही चीज तो आई है आंसर। अब नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट इसका ये वाला, क्या ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, अब तो सबकी आ गई है, जस्ट इनका रेशियो निकाल देना आंसर आ जाएगा, कैसे करके यहां पर मैंने तुमको बता दिया, ये वाला खुद कर लेना, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा ए वाला, इसका आंसर ए आएगा, तो चेकआउट करके तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कैसे करके होगा, अब यहां पर तुमको क्या लिखा है, If ABC is a right angled triangle, right angle at A, मतलब ऐसे करके आपका एक ट्राइंगल दे रखा है, ये right angle at A है, अब ये कह रहा है आप लोगों का ये B मान लो, ये C मान लो, अगर हमारा sin B क्या होता है perpendicular upon hypotenuse, मतलब आपका ये वाला 1 हो गया, ये वाला आपका 3 हो गया,
इसका मतलब ऑटोमेटिकली कितना हो गया, ये आपका हो गया, निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से 2√2 आ गया। क्या हमारा cos c, cos x c 3 होगा क्या? cos x c क्या होता है, ये आपका c है 3/2√2, ये hypotenuse upon perpendicular, क्या आपका ये आ रहा है? नहीं आ रहा, गलत आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। क्यों हुआ गलत हमने देख लिया। सेकंड वाला क्या है, अब देखो तुम लोगों का ना दिमाग खराब हो जाएगा सेकंड वाला करने में, क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहां पर दे रखा है बी, फिर ये दे दिया तुम्हारा कॉस। तुम कहोगे भाई कॉस का कैसे रखे मैं करूं, मुझे क्या पता इसने क्या दे रखा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको कुछ समझना है ना, गो टू बेसिक्स। कैसे रखे जाएंगे, यहां पर इसने ट्राइंगल लिख रखा है, यहां पर कॉस लिखा हुआ, मेरे को कोई फॉर्मूला याद है जो ट्राइंगल और कॉस का जो हो, बिल्कुल याद है, कौन सा वाला? बी। क्या ये अभी अभी नहीं पढ़ा हमने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। यहां पर सी है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। बी से कट गया, ए से कट गया ए, 2 से कट गया 2, ये वाला इधर चले जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अगला मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी पी की पावर 4। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का सी की पावर 4, ये दोनों के दोनों आगे कॉमन कट जाएंगे, बी को इधर डाल दो, इसको ए डाल दो और ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, हो जाएगा। देखो इसको ले लिया मैंने इधर को, इसको इधर डालोगे ये क्या बन रहा होगा, देखो बी की पावर 4 माइनस का सी की पावर 4। क्या ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई? अगर मैं इसको कुछ ऐसे करके लिख देता हूं, आ गई फॉर्म, आ गई, कैसे लिख दूं, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब तुम्हारा इतना हो चुका है, तुम क्या करोगे, ये वाले को इधर डालोगे और यहां से बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ले लोगे कॉमन, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो तुम्हारी दो कंडीशन बनती है, क्या बनती है, या तो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर यानी कि बी इक्वल्स टू सी, ये क्या हो गया तुम्हारा आइसोसेलेस की कंडीशन। अगली ये जो कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, वापस आगे राइट एंगल की, हम लोगों का ये ए था क्योंकि ये वाला एंगल ए था, आगे राइट एंगल। अब लेकिन लेकिन ये जो मुझे कह रहा है, ये कह रहा है भाई ये ना राइट एंगल ना नहीं है, नॉट अ राइट एंगल, तो नॉट अ राइट एंगल तो ये वाला नहीं है, तो बचा क्या, ये वाला, यानी कि आइसोसेलेस होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेम देखो ऐसी तरीके से कुछ ना, ऐसी तरीके से आपका कुछ क्या होगा, ये वाला होगा। अब ये वाला होगा कैसे करके, ये तुम लोगों ने करना है, कैसे करके, यहां पर आपका फिर से एक ट्राइंगल है, आप लोगों को नहीं पता कौन सा ट्राइंगल है तो एबीसी लिख देना। अब इसने मुझे क्या बोला है, कह रहा है बी इक्वल टू टू ए इक्वल टू टू बी, क्या कह रहा है, ए इक्वल टू टू बी है, और मतलब एंगल की कर रहा है बात, तो यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग रहा है। इसके अलावा बी इक्वल टू सी, मतलब आप लोगों का क्या है, ये वाला है आपका बी और ये वाला है आपका सी, मतलब ये वाला और ये वाली साइड इक्वल है, यानी कि बी इक्वल्स टू एंगल सी है, तो तुम्हें पता लग जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्या पता लग जाएगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, और हम लोगों को ये भी पता है, तो एक ही जगह पर टू बी लिखना, इसकी जगह तो बी आ गई, इसकी जगह बी कर देना, आपका आ जाएगा एंगल बी आ गया, क्या पता लगा लोगे, ऑब्ट्यूस है कि नहीं है, ठीक है कर लोगे, कर लेना। अगली चीज यहां पर सिंपल है, ए का 40 दे रखा है, बी का 65 दे रखा है, हमको ए बाई सी दे रखा है, क्या ये निकल जाएगा, मेरे को दो साइड्स दे रखी है ए बाई सी की वैल्यू पूछी है, लगा दूंगा फिर से साइन, तुम बोलोगे भैया यहाँ सी का दे रखा है, सी निकाल लोगे ना यार, दो की वैल्यू पता है, गर्ल्स हम प्रॉपर्टी पता है ना, निकाल लोगे आंसर, देख लेना कि क्या होगा इसका, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर, कौन सा क्वेश्चन है इसका आंसर, शायद बी होगा, शायद एक बार चेक कर लेना, शायद इसका बी होगा, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 6 टाइम द अर्थमैटिक मीन ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसने ही दे रखा है हमको बी सी और सी ए, यानी कि अगर हमारे ये कैसे करके कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसने हमको बी सी की वैल्यू रूट थ्री दे रखी है, ए सी की वैल्यू इसने 1 दे रखी है। अब इसने हमको दे दिया, अब तुम बताओ क्या ये मेरा ए की वैल्यू नहीं है, मतलब साइड्स, क्या ये मेरा बी की वैल्यू नहीं है? जरा एक बार बी बाई सी करना, क्या हो रहा है बी बाई सी, ये सॉरी ए बाई सी रूट थ्री बाई वन हो रहा है। अगर मैंने डिवाइडेड बाई टू करवा दिया इससे, क्या ये मेरा साइन बन गया साइन 60, क्या मेरा साइन 30 बन गया। अब यहां पर हमको क्या दे रखा है, कह रहा है अर्थमैटिक मीन ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो 6 टाइम्स है। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 6 टाइम्स द अर्थमैटिक मीन, मतलब जो पैरामीटर है ए प्लस बी है, क्या है हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 6 टाइम, वो क्या है 6 टाइम है अर्थमैटिक मीन। तो यहां पर 6 हो जाएगा, अर्थमैटिक मीन क्या हो जाएगा इसका साइन का ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए साइन बी साइन सी, तो निकाल लोगे साइन 60 जो क्या होता है हमारा रूट थ्री बाई टू प्लस वन, ये होता है 1/2 और एक होता है हमारा 1/3। अर्थमैटिक मीन तो ऐसे ही करके निकालते हैं, ये कटेगा हमारा 2 से, यहां पर निकालोगे 2 इसका एलसीएम ले लेना 1 प्लस यहां पर आ गया 2/2 ये कटेगा, यहां पर हमारा आ गया 3 + √3 कौन सा है ये रहा आंसर, ऐसे करके होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है एग्जैक्ट सेम है, यहां पर दे रखा है हमको ये वाले का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट कैसे करके, क्या राइट एंगल ट्राइंगल था, बिल्कुल था, निकाल लिया हम लोगों ने ये बिल्कुल ठीक है। क्या ये एपी में थे इसके जो वो थे, बिल्कुल थे, एक 30 था एक 60 था और एक 90 था, एपी में दिख रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी, समझ रहे हो। अब ये वाला मैंने तुम्हें बता दिया, अगला वाला ये बता दिया मैंने तुमको, अब बचा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कैसे होगा, इसमें मेरे को देखा cos 3c, फिर से आगे हम लोग वही वाले 3 वाले उस पे फॉर्मूले पे क्या होता है 4 cos³c माइनस का 3 cos c, cos c की निकाल सकते हो ना वैल्यू, क्या होती है cos c की a² + b² - c² / 2ab, खत्म। इससे वैल्यू रखो, वैल्यू क्या है ये वैल्यू आंसर, ठीक है आंसर निकाल लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल्स, आपके कैसे करके इसके क्वेश्चन आते हैं, मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता लग गया होगा, सेम चीज बार बार रिपीट करती है, रिपीट करती रहेगी, मैंने वो करवा दिया। ये आपके अभी के क्वेश्चन है, इससे पहले वाले साल के NDA 1 के NDA 2023 के दोनों साल के हैं, इसके अलावा NDA 2 के भी हैं 2022 के, और थोड़ा पहले के क्वेश्चन भी हैं, तुम लोगों को पता लग रहे होंगे। सो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ऐसी करके ट्राई करना, सिर्फ इन क्वेश्चन से नहीं होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब आपकी बारी है, प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चंस फोड़ के आओगे। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको हमारा बात ज्वाइन करना है जरूर से कर सकते हो, वहां पर हम लोग और ज्यादा डिटेल वे में इन चीजों को पढ़ते हैं।